नए इस जमीन पर कितने साल से हैं? हम लोग 5 साल से रह रहे हैं। कितने साल? 5 साल। कितने साल से? 5 साल से। ये जमीन पर आप कैसे बसे? खतियानी है इन लोगों का कहना, खतियानी जमीन। आप लोग सब आदिवासी हैं? आपके साथ ये लोग जब आया, ये लोग कब आया आपके पास? कितने लोग आए? 200 थे। राइफल बंदूक सब था। उसके बाद ये लोग आने के बाद क्या किया? सबसे पहले मारा पीटी करने लगे, जबरदस्ती भी करने की कोशिश की। क्या जबरदस्ती? क्या बात आप कर रहे हैं? समझते कुछ नहीं समझते हैं। ये लोग को जब पे जब मरो से पहले मार दंगा करके फेंक दीजिए, इसीलिए हम लोग सब मारना। यहाँ का SDO कैसे ऑर्डर दिया उन लोग के पक्ष में? अभी भी केस चल रहा है सर। केस कहाँ चल रहा है? कहना है कि SDO ने, कुछ लोगों का कहना है SDO यहाँ का पैसा लेकर के जजमेंट दे दिया दो दिन पहले। हम लोग नहीं जानते सर। हम लोग को नहीं पता है सर। हम लोग को नहीं पता है बारे में सर की जजमेंट। आप लोग कहाँ पर? आप लोग का घर किधर? इधर। आप लोग सामान लेके चला गया क्या? नीतीश बाबू यही है आपका सुशासन? पदाधिकारी नेताओं को सूली पर चढ़ाना चाहिए। 3 दिन से हम लोग ये इससे बड़ा जुल्म भी कुछ हो सकता है सर? आज भी हम लोग गए वहाँ पे धरना पे, यहाँ सारा चौकी लगा हुआ था, हम लोग लगा था रोड पे, वहाँ पे हम लोग सब तोड़ फोड़ दिया फिर से। क्या जुल्म है भाई, क्या जुल्म है। यहाँ के नेता लोग कितने मौग है भाई। अरे यहाँ के MLA MP कहाँ है? गोली बंदूक पकड़ के धमकी दे रहा था। रोड दिन रहता है, रोड से उठा लेता। यहाँ के नेता लोग कहाँ हैं? मर गए, वोट ले लिए दलित आदिवासी का। अब माफिया लोग का ये लोग तो क्या बोले भैया इन लोग, ये क्या है? इससे बड़ा जुल्म बगल में कलेक्ट्रेट, बगल में SP, और कल भी जुल्म, आज भी जुल्म करना चाहते हैं सर। इसीलिए हम लोग सही नहीं कर रहे हैं, हम लोग माफी मांगेंगे। आप बताइए क्यों आत्महत्या हमारी बेटी, आप लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? मैं कटिहार और पूर्णिया के आदिवासी को धिक्कार देता हूँ। आप लोग कहते हैं लड़ाई लड़ते हैं, आपकी बेटी पर जुल्म हुआ, आप निकल नहीं रहे हैं। दूसरा कोई हम लोग की इज्जत पे हाथ डाले उससे अच्छा है वैसे ना लगता कि मर जाए। ये इनके पूर्वज यदि ये कह रहे हैं रैयत है और कोर्ट में केस चल रहा है, कुछ लोगों का कहना रास्ते में था कि हम लोग के बाप दादे की। अरे भैया बाप दादे की है तो आप दादागिरी कीजिएगा अपराधी के द्वारा। राजपाठ मौग लोगों के हाथ में है, पप्पू यादव के हाथ में होता ना घाट ढूक के मारते इन माफियाओं। चले हम पैदा नहीं लिए हैं इन साले इन गंदे लोगों के लिए, हम पैदा लिए हैं सिर्फ गरीब के लिए। इतना बड़ा जुल्म सही नहीं है, ये जुल्म सही नहीं है, इतना बड़ा जुल्म सही नहीं। ये नीतीश बाबू से आग्रह एक बार आप देख लीजिए, और सब के सब मिली भगत और सब पैसा खाया ऊपर से नीचे, एवरी वन पैसा खाया, सारा पदाधिकारी पैसा खाया।
और तब आकर के बगल में आकर के यहाँ जुर्म कर दिया। सर प्रशासन को खड़ा करके कानूनी कार्रवाई कर दिया। सर नहीं बोला था हम लोग उठा के लेके गए जमीन इन लोगों की, फिर बाद में पैसे देकर के कुछ लोग कह रहे कि मेरी जमीन। यार फैसला करते तो यदि फैसला कानून का होगा तो गुंडे नहीं रहेंगे हटाने के लिए। यह देश गुंडा से चलेगा, पैसे वाले से चलेगा यह देश? यह देश किससे चलेगा? कानून से, संविधान से कि गुंडा से? गुंडे लोग आए परसों रात में मार के बैठा दिए और कल 144 लगा दिया और उसके सामान को चूरा गया। आज भी धमकी दी गई गुंडे लोगों के द्वारा, कोई सुनने वाला नहीं। 200 मीटर पर थाना, 250 मीटर पर पीएम एसपी साहब का घर और गुंडे लोगों का आतंक। कब तक यार, कब तक ये माफिया चलाएगा इस बिहार को? कब तक अपराधी माफिया आम लोगों की जिंदगी हराम करेगा? क्या कोई दलित आदिवासी का सुनने वाला नहीं है? इस इलाके एमएलए एमपी क्यों चुप है? क्या गरीब का वोट नहीं लिया? ये लोग सिर्फ माफिया का वोट लिया, सिर्फ अपराधी के नेता हैं ये लोग। न्याय इन लोगों को मिलेगा कैसे सर? शायद लड़ेंगे, लड़ेंगे। चलिए सर।